Hello my dear students, welcome to the Praadis Institute of Education. Praadis Education आप सभी बच्चों के लिए लाया है CBSE बोर्ड सीरीज। यहाँ पे टीचर्स करा रहे हैं आपकी 10th और 12th बोर्ड एग्जाम की तैयारी। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। तो बेटा आज मैं आपके लिए लाई हूँ बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 4 पार्ट 1 दैट इज प्लानिंग। ठीक है, हम लोगों ने अभी प्रीवियस क्लास में BST में चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट कंप्लीट कर लिया था। अब आज की क्लास से एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज व्हाट प्लानिंग। ठीक है, आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में मैनेजमेंट का थोड़ा सा नेचर सिग्निफिकेंस पढ़ा था। चैप्टर नंबर 2 में आपने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पढ़े थे और मैनेजमेंट के फंक्शंस भी पढ़े थे, जिसमें कहीं ना कहीं आपने प्लानिंग वर्ड सुना होगा और या प्लानिंग वर्ड आपने पढ़ा होगा, है ना। तो अब जो बिजनेस का चैप्टर नंबर 3 था दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट, वो थोड़ा ट्रैक से हट के चला गया था। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ रहे थे और बिजनेस एनवायरनमेंट थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक था। तो बिजनेस एनवायरनमेंट तो हमने पढ़ लिया, अब बैक टू ट्रैक आते हैं और हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हमारा मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन दैट इज प्लानिंग। मैंने आपको बताया ही था कि जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है जिसमें नंबर ऑफ स्टेप्स आती हैं। आपको प्लानिंग करनी होती है, ऑर्गेनाइजिंग करना होता है, उसके बाद स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब इंटर रिलेटेड फंक्शंस हैं। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 सारे प्रोसेस को जो है फंक्शंस को डीपली डिटेल चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज जो आपका चैप्टर होने वाला है वो प्लानिंग दैट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ऑलराइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आएगा आपको। इंपॉर्टेंट थिंग, इफ यू वांट टू परचेज अ पेड सब्सक्रिप्शन ऑफ प्राडिस, तो ये अभी आपको मिल जाएगा बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में दैट इज 9,999। एक्चुअल ऑफर प्राइस इज 30,000 फ्रॉम क्लास KG टू क्लास 10th, बट ये अभी आपको अवेलेबल है 9,999 में। एंड सेम विथ क्लास 11th एंड 12th ऑल्सो, क्लास 11th एंड 12th का भी जो ईयरली सब्सक्रिप्शन है वो ईयरली सब्सक्रिप्शन है दैट इज 30,000, बट ये अभी आपको अवेलेबल है 9,999 में। इफ़ यू यूज दिस कूपन कोड तो यू कैन एक्सेस दिस ऑफर प्राइजेस। ठीक है, चलो। So if you purchase our paid subscription, then we offer you classroom videos, 3D videos, lecture videos, smartboard videos, recent live lectures, हर तरीके की videos आपको हमारी e-learning ऐप पर मिल जाएंगी। Along with आपको content available है बहुत सारा, free solution आपके टेक्स्ट बुक के, practice test, worksheet, doubt sessions, so these all are the thing that we offer to our paid subscribers. Okay, चलो, so let's get started with our today's topic, and today we are going to discuss planning, the concept of planning, features and importance of planning. ठीक है, पहले हम planning को समझेंगे कि planning function कैसा है, फिर planning के हम importance समझेंगे, features देखेंगे। ठीक है, चलो, तो आज की क्लास में हम ये 2 टॉपिक को कवर करने वाले हैं। चलो, so let's get started. इंट्रोडक्शन, तो चलो थोड़ा सा प्लानिंग समझते हैं। प्लानिंग इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट, प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। प्लानिंग इज नॉट ओनली अबाउट, अभी यहाँ पे तो हम मैनेजमेंट में प्लानिंग करेंगे, बट प्लानिंग सिर्फ बेटा मैनेजमेंट में ही नहीं अप्लाई होती है, हर जगह की प्लानिंग होती है। आप अगर आपकी समर वेकेशंस है तो आपके पेरेंट्स या आप लोग क्या करते हो, समर हॉलीडेज प्लान करते हो। ठीक है, प्लान करते हो कि हमको कहाँ जाना है। ठीक है, फिर उसके लिए कुछ मतलब पहले तो आपने डिसाइड कर लिया वेयर टू गो। ठीक है, फिर वेयर टू गो के बाद हाउ टू गो, कैसे जाओगे, ट्रेन से जाओगे, बस से जाओगे, कौन सी ट्रेन से जाओगे, हाउ टू गो। ठीक है, हाउ टू गो के बाद भी आप डिसाइड करते हो कि आप जिस जगह पर जाने वाले हो वहाँ आप क्या क्या करोगे, कौन कौन सी जगह पर घूमोगे, आप उसकी थोड़ी सी R&D करते हो, रिसर्च कर लेते हो। ठीक है, तब आप समर हॉलीडेज पर जाते हो। क्यों? क्योंकि अगर आप विदाउट प्लानिंग जाओगे, आपको नहीं पता, आपको बस ये पता है कि हमारा समर हॉलीडेज है, हम कहीं जाने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं, वेयर आपको यू डोंट नो, हाउ कैसे जाएंगे यू डोंट नो, देन व्हाट टू डू यू डोंट नो, वहाँ जाके क्या करेंगे यू डोंट नो, देन इट विल बी स्पॉइलेज। ठीक है, बहुत बड़ा स्पॉइलेज हो जाएगा, आपको तो पता ही नहीं, आपको बस इतना पता है समर हॉलीडे पे आप कल जाने वाले हो, बट टुडे यू डोंट नो वेयर यू वांट टू गो। ठीक है, तो विदाउट प्लानिंग नथिंग कैन हैपन, कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आपको कोई भी काम सिस्टमेटिकली करना है देन प्लानिंग इज एन एसेंशियल पार्ट। ठीक है, अभी आप लोग स्टडीज कर रहे हो 12th क्लास में। ठीक है, अगर आपका गोल डिसाइड नहीं नहीं है, मतलब व्हाट टू डू इन ट्वेल्थ, आपको कितना परसेंटेज चाहिए, आप क्यों स्टडी कर रहे हो ट्वेल्थ क्लास की, तो इट इज़ यूजलेस एंड डायरेक्शनलेस, ठीक है, कोई मतलब नहीं है ट्वेल्थ क्लास में इतना ज़्यादा मेहनत करने का जब आपका गोल डिसाइड ही नहीं है, ठीक है। आप पहले जब ट्वेल्थ क्लास में आते हो आपको पता ही आप मेरा बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, और आफ्टर ट्वेल्थ आपको क्या करना है ये भी कहीं ना कहीं आप प्री प्लान कर लेते हो। तो आप अगर ट्वेल्थ क्लास में अगर आए हो, ठीक है, आपका ट्वेल्थ क्लास का गोल क्या है, मेरे ट्वेल्थ क्लास का गोल है 98%, तो ये क्या हो गया, ये मैंने गोल डिसाइड किया। अब गोल डिसाइड करने के बाद हाउ टू अचीव, ये जो आप डिस्टेंस देख रहे हो, ये डिस्टेंस देख रहे हो आप, ये डिस्टेंस को बोलेंगे हाउ टू अचीव, अब मुझे कैसे अचीव करना है इस डिस्टेंस को कवर, ये मेरा गोल हो गया, ठीक है, ये मेरा गोल हो गया, दैट इज़ व्हाट टू डू, क्या करना है मुझे, व्हाट टू डू। एंड नेक्स्ट इज, अब मैंने डिसाइड तो कर लिया कि ट्वेल्थ में मुझे 98% अचीव करना है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू डू, कैसे करूँ। तो हाउ टू डू में क्या है, ये जो गैप दिख रहा है, ब्रिज दिख रहा है, इसको मुझे क्या करना है, क्लोज करना है। कैसे करूँगी मैं, अपनी स्ट्रेटेजीज बनाऊंगी। पहले मैंने व्हाट टू डू कर लिया, 98% स्कोर करना है। हाउ टू डू कि मैं दिन में 6 घंटे डेली सेल्फ स्टडी करूँगी, मैं इस बुक से पढ़ूँगी, उसके बाद मैं ये लेक्चर अटेंड करूँगी, मैं यहाँ कोचिंग क्लास में जाऊँगी या टीचर से ऐसे इंटरेक्शन रखूँगी साल भर, ठीक है, या मैं इस तरीके के इन कंपनी का या इन पब्लिकेशन के जो हैं मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूंगी। तो ये क्या हो गया, हाउ टू डू, ठीक है। पहले मैंने क्या डिसाइड कर लिया, व्हाट टू डू, और इस जो ग्रिप, इस जो मतलब बोल सकते हो ब्रिज है, इसको गैप करने के लिए मैंने क्या डिसाइड किया, हाउ टू डू, कैसे करना है, ठीक है। अभी कुछ हुआ नहीं है, मेरा सेशन भी स्टार्ट नहीं हुआ है, मैंने 11th पास किया और मुझे पता है मैं 12th में आ गई हूँ, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि 12th में तो भाई मैं 98% लाऊंगी, और मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं क्या करूँगी, साल भर 6 महीने, जो 6 महीने 8 महीने जो भी रहेंगे, मैं बहुत अच्छे से 6 घंटे डेली पढ़ाई करूँगी, प्रॉपर जो है मैं इन बुक्स से पढ़ाई करूँगी, इन्हीं बुक्स को रेफर करूँगी, इन्हीं टीचर्स से पढ़ूँगी, इन्हीं लेक्चर्स को अटेंड करूँगी। ये सब मैंने क्या कर लिया है, हाउ टू डू, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये मेरा प्लान हो गया। अभी मेरे 12th सेशन भी स्टार्ट नहीं हुआ है, बट बिफोर मैंने क्या कर लिया, प्लान कर लिया। तो बेसिकली प्लानिंग में हम दो चीज़ें लेकर चलते हैं। पहली चीज़ तो व्हाट टू डू, आप यहाँ पे गोल डिसाइड करते हो, और हाउ टू अचीव दोज गोल्स, आप उन गोल को कैसे अचीव करोगे। इसके लिए हम क्या बनाते हैं, स्ट्रेटजीज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्ट्रेटजीज बनाते हैं, पूरे हम सब कुछ तैयार करते हैं ताकि हम उस अपने डिसाइडेड प्री डिसाइडेड गोल तक रीच कर पाएँ, ठीक है। सो दिस इज व्हाट प्लानिंग। तो इसी तरीके से जहाँ हर जगह प्लानिंग होती है, आप एक छोटा स्टूडेंट भी प्लान करता है, एक बड़ा स्टूडेंट भी प्लान करता है, समर हॉलीडे जाने से पहले प्लान होता है, मम्मी सुबह प्लान कर लेती है कि आज लंच में क्या बनेगा, ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा, डिनर में क्या बनेगा, ठीक है। और जो जो चाहिए उस जो भी इन्ग्रीडियंट्स उनको चाहिए, जो भी वेजिटेबल्स जो कुछ भी चाहिए वो पहले से अरेंज कर लेती है। तो दिस इज व्हाट कि एक छोटे से हाउस होल्ड मैनेजमेंट में भी प्लानिंग लगता है, रात में डिसाइड हो जाता है कि सुबह ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा, ठीक है। तो प्लानिंग इज एसेंशियल, प्लानिंग हर जगह होता है। तो मैनेजमेंट विदाउट प्लानिंग कैसे हो सकता है। तो बेसिकली प्लानिंग में मैनेजर्स क्या करते हैं, अपना ऑर्गेनाइजेशनल गोल डिसाइड करते हैं, व्हाट टू डू, क्या करना है, क्या उनका ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, और फिर डिसाइड करते हैं हाउ टू डू, उस जो गोल है उसको कैसे अचीव करना है, हाउ टू डू भी डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड क्लियर हो गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्चुअली प्लानिंग, प्लानिंग का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, ठीक है। चलो आपने समझ तो लिया, अब थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन पर आते हैं कि क्या होता है। ऑल ऑर्गेनाइजेशन वेदर इट इज़ गवर्नमेंट, प्राइवेट, बिजनेस और अ स्मॉल बिजनेस रिक्वायर प्लानिंग टू टर्न देयर ड्रीम्स ऑफ इंक्रीज इन सेल, अर्निंग हाई प्रॉफिट एंड गेटिंग सक्सेस इन बिजनेस। ऑल बिजनेसमैन हैव टू थिंक अबाउट फ्यूचर, मेक प्रेडिक्शन एंड अचीव द टारगेट। टू डिसाइड व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, दे डू प्लानिंग। अब भाई प्लानिंग ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर बिजनेस कर रहा है, कोई छोटा सा बिजनेस है तो प्लानिंग नहीं करता, नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी बिजनेस हो, कितना भी बड़ा बिजनेस हो, कितना भी छोटा बिजनेस हो, कोई भी उसका ओनर हो, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट इंडिविजुअल्स हो, डजेंट मैटर, हर एक बिजनेस में प्लानिंग एक एसेंशियल पार्ट होता ही होता है, ठीक है। विदाउट प्लानिंग जो बिजनेस है यूजलेस और डायरेक्शनलेस रहता है, ठीक है। इसलिए प्लानिंग हर जगह होता है। अगर आपको आपके जो ड्रीम्स हैं, सपने, सपने सब देखते हैं, लेकिन अगर आपको उन सपनों को रियलिटी में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको प्लानिंग करनी ही पड़ेगी, ठीक है। प्लानिंग में वो क्या डिसाइड करते हैं, व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, इन सारी चीज़ों को डिसाइड करने के लिए व्हाट दे डू प्लानिंग, ठीक है। चलो तो अब प्लानिंग की डेफिनेशन क्या रहेगी, प्लानिंग एंड वी डिसाइडेड थिंकिंग इन एडवांस, क्योंकि ये प्लानिंग है इसलिए आप ये क्या कर रहे हो, ये इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है एंड यू आर थिंकिंग इन एडवांस, एडवांस में आप सोचकर बैठे हो क्या कि क्या करना है, व्हाट टू डू, कैसे क्या करना है, यहाँ पे आप गोल डिसाइड करते हो। जैसे कि आपने 12th में 98% लाने का गोल डिसाइड किया है तो आपने क्या किया, व्हाट टू डू, करना क्या है। इसी तरीके से एक मैनेजर डिसाइड करता है कि इस साल जो अपकमिंग ईयर होने वाला है, ये कल रहेगा 31 मार्च को वो प्लानिंग कि जो अपकमिंग जो अकाउंटिंग ईयर आने वाला है, फाइनेंशियल ईयर आने वाला है, इस साल तो मैं क्या करूँगा, 50% सेल्स इंक्रीज़ करूँगा, मेरी जो सेल्स चल रही हैं ये मेरा टारगेट है कि 50% सेल्स बढ़ानी है। तो उसने क्या कर लिया, व्हाट टू डू, 50% इंक्रीज इन सेल्स, सेल्स को बढ़ाने में उसने जो है अपना प्लान बना लिया। ठीक है, व्हेन इट इज़ टू बी डन, कब करना है उसको, ठीक है, तो कैसे, और हाउ टू डू, कैसे करेगा वो, सेल्स कैसे बढ़ाएगा। उसने सोच लिया कि मैं प्रमोशन में थोड़ा सा एक्सपेंडिचर बढ़ा दूंगा, जो प्रमोशन डिपार्टमेंट है, ठीक है, मार्केटिंग का, उसको थोड़ा एक्सपांड करूंगा, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को हायर करूंगा, ये सब क्या किया उसने, हाउ टू डू में इंक्लूड किया है। बाय हुम इट शुड बी डन, किसके थ्रू मैं ये काम करवाऊंगा, तो मैं ये कराऊंगा अपने मार्केटिंग टीम में प्रमोशन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ के थ्रू। ठीक है, तो ये होता है आपका प्लानिंग। तो प्लानिंग इज ऑल अबाउट थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ इज टू बी डन। तो ये क्या होता है, प्लानिंग होता है। तो अगर हम सिंपल शब्दों में बोला जाए तो प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग एंड वेयर वी वांट टू रीच। प्लानिंग क्या होता है, ये आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है और ये आपकी फ्यूचर सिचुएशन है। प्रेजेंट में आप खड़े होकर डिसाइड कर लेते हो कि फ्यूचर में मुझे किस पोजीशन पे जाना है। ठीक है, मैनेजर खड़े हुए हैं, मैनेजर का भी प्रॉफिट अभी उनका कुछ जो भी हो प्रेजेंट प्रॉफिट, उससे वो उनका फ्यूचर क्या है, लाइक 50% इंक्रीज। ठीक है, तो 50% इंक्रीमेंट सोच रहे फ्यूचर सिचुएशन में। एंड जो प्लानिंग, ये जो ब्रिज देख रहे हो, इसको गैप फिलिंग को ही क्या बोलते हैं, प्लानिंग। ठीक है, सो क्लियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लानिंग है। चलो, प्लानिंग में छोटी छोटी चीज़ें और होती हैं, देख लेते हैं। प्लानिंग में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड किया जाता है और डिसाइडिंग इन एडवांस अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स। सो वी कैन डिफाइन प्लानिंग एज अप सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट एंड फॉर्मुलेटिंग एन एक्शन प्लान्स टू अचीव दैट। सो द नेक्स्ट थिंग इज कि प्लानिंग इज ऑल अबाउट सेटिंग द फ्यूचर गोल। मैंने आपको बताया कि प्लानिंग में क्या होता है कि आप फ्यूचर गोल को डिसाइड कर लेते हो। ठीक है, यू हैव डिसाइडेड द फ्यूचर गोल, ठीक है, और फ्यूचर टारगेट्स, फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स को आप डिसाइड कर लेते हो और एक्शन प्लान को डेवलप करते हो कि जहां आप खड़े हो और जहां आपको जाना है उसको कैसे आप पहुंच सकते हो वहां तक, दैट इज कॉल्ड एक्शन प्लान। तो एक्शन प्लान भी आप क्या करते हो, डेवलप करते हो। ठीक है, प्लानिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है टाइम। हमेशा प्लानिंग टाइम के रिस्पेक्ट में ही की जाती है। आप टाइम कंसिडरेशन को अगर इग्नोर कर देते हो, दैट मीन्स कि आपकी प्लानिंग एप्रोप्रिएट नहीं है। हमेशा प्लानिंग में ये डिसाइड किया जाता है, आप एक समय के हिसाब से चलते हो। आपने 12th क्लास के लिए प्लान किया है तो 12th क्लास में आपका जो प्लानिंग का समय रहेगा वो अराउंड 6 to 8 to 10 मंथ रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। मैक्सिमम 12 महीने की प्लानिंग होगी, इससे ज़्यादा प्लानिंग नहीं होगी, क्योंकि साल एक ही साल का होता है, सेशन एक ही उसका होता है और आजकल तो सेशन में मंथ्स भी कम हो गए। ठीक है, तो अगर आपका सेशन अप्रैल से स्टार्ट होता है और आपके एग्जाम फैब में स्टार्ट हो जाते हैं तो आपके पास 10 to 9 मंथ ही हैं प्लानिंग करने के। तो हमेशा प्लानिंग रिस्पेक्ट टू टाइम में ही होता है। विदाउट टाइम कंसिडरेशन प्लानिंग इज नॉट एट ऑल करेक्ट। ऑलराइट, चलो, keeping in mind the time dimension, we can define planning as of setting up of an objective for a given period of time, formulating various course of action to achieve them and then selecting the various best possible alternative from the different course of action. तो planning को अगर हम और मतलब define करें, elaborate करें, तो planning is what, setting objective in advance, ठीक है, with respect of time for a particular period of time, then developing a formulating an action plan। बहुत सारे action plan को formulate किया जाता है, बहुत सारे action plans को जो है develop किया जाता है, उसमें से हर action plan को evaluate किया जाता है, मतलब compare किया जाता है एक दूसरे से, और best possible जो भी आपका plan है मतलब course of action उसको select किया जाता है। This is what planning exactly is. For example, suppose that manager is deciding the goal of the objective of manager is to achieve goal ऑफ 50% इंक्रीज इन सेल। ठीक है, क्या है उनका ऑब्जेक्टिव? 50% इंक्रीज इन सेल। अब उसको अचीव करने के लिए उन्होंने बहुत सारी स्ट्रेटेजीज बना ली। ठीक है, पहली बना ली है कि प्रमोशन कॉस्ट इंक्रीज करेंगे, दूसरी को उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई है कि अपने जो प्रोडक्ट है उसको क्वालिटी वाइज इंक्रीज करना है, तीसरी स्ट्रेटेजी बनाई है उन्होंने क्वालिटी सेम रखेंगे लेकिन उसके प्राइस इंक्रीज मतलब प्राइस डिक्रीज कर सकते हैं ताकि सेल्स बढ़ जाए। चौथी चीज़ उन्होंने बोली है कि सेल्स बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, एम्प्लॉयज़ को हायर करेंगे, मार्केटिंग टीम को थोड़ा और एक्टिव और एफिशिएंट बनाएंगे। तो ये सब क्या है, ये सब उन्होंने बेस्ट पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कर लिए। अब वो उनको कंपेयर करेंगे और बेस्ट पॉसिबल जो मतलब जो बेस्ट पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन होगा उसको अचीव करेंगे। से उनको सबसे अच्छा लग रहा है कि प्रमोशन कॉस्ट बढ़ा दी जाए। ठीक है, तो प्रमोशन होगा तो सेल्स इंक्रीज हो जाएंगे, तो उन्होंने उसको अडॉप्ट करके सिलेक्ट करके और इम्प्लीमेंट कर दिया। तो दिस इज व्हाट प्लानिंग। प्लानिंग में गोल डिसाइड होता है, वेरियस एक्शन प्लान्स डेवलप किए जाते हैं, उनको इवेल्युएट कंपेयर किया जाता है और जो बेस्ट होता है उसको सिलेक्ट करके इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ प्लानिंग। ठीक है, चलो हमने प्लानिंग समझ ली। तो बेसिकली अगर मैं ओवरऑल बोलूँ कि प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग इज सेटिंग गोल इन एडवांस विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, देन डेवलपिंग अ वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दोज टारगेट एंड देन सिलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन एंड इम्प्लीमेंटिंग दैम इज कॉल्ड प्लानिंग। ठीक है, चलो अब प्लानिंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको देख लेते हैं। प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू द ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग स्टार्ट्स विद डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। वी कैन नॉट थिंक ऑफ प्लानिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव। आफ्टर सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग डिसाइड द मेथड्स, प्रोसीजर्स एंड स्टेप टू बी टेकन फॉर द सेट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। भाई प्लानिंग विदाउट ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव नहीं कर सकते। प्लानिंग विदाउट ऑब्जेक्टिव इज यूजलेस, वर्थलेस। ठीक है, तो प्लानिंग जब भी की जाए तो हमेशा ऑब्जेक्टिव के साथ ही की जाती है। प्लानिंग में सबसे पहली स्टेप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है सेटिंग अप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप सबसे पहले क्या करते हो, अपने ऑब्जेक्टिव, अपने गोल, अपना टारगेट उसको सेटअप कर देते हो। उसके बाद बहुत सारे एक्शन प्लान्स डेवलप करते हो टू अचीव दोस गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो प्लानिंग इज यूजलेस विदाउट ऑब्जेक्टिव। जब आपको डायरेक्शन नहीं पता, प्लानिंग इज व्हाट, मतलब जब ऑब्जेक्टिव इज व्हाट, ऑब्जेक्टिव इज प्रोवाइडिंग यू डायरेक्शन कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। तो अगर आप जब तक डायरेक्शन डिसाइड नहीं करोगे तो आप कहाँ जाओगे, क्या मतलब है? तो सबसे पहली चीज़ है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड्स यू डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट, प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग इज दैट इट इज अ प्राइमरी फंक्शन, मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट मैंडेटरी फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट की प्रोसीजर स्टार्ट ही होती है प्लानिंग से। तो प्लानिंग एक प्राइमरी फंक्शन है, एक बेस और एक फाउंडेशन देता है मैनेजमेंट के फर्दर फंक्शंस को। ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सब कुछ प्लानिंग के बेस पर ही होते हैं। अगर प्लानिंग स्ट्रांग है तो फर्दर जो मैनेजमेंट के फंक्शंस होने वाले हैं, परफॉर्म करने वाला है मैनेजर, वो बहुत अच्छे रहेंगे। और अगर आपने प्रेजेंटली, करेंटली प्लानिंग अच्छे से नहीं की है तो फर्दर फंक्शंस भी कैसे होंगे, थोड़े से बेसलेस होंगे। तो दैट प्लानिंग इज व्हाट, प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन, इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट अटमोस्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। सो प्लानिंग इज द प्राइमरी और द फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। हर मैनेजर को मैनेजमेंट का जो प्रोसीजर है वो परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले प्लानिंग करनी ही पड़ती है। कोई भी अदर फंक्शन एग्जीक्यूट या आप नहीं परफॉर्म कर सकते विदाउट प्लानिंग। ठीक है, तो प्लानिंग में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप ऑब्जेक्टिव सेटअप करते हो और उसके अलावा जो सारे अदर चीज़ें हैं वो गाइड होती है टूवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव डिसाइडेड। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, मैनेजिंग, असाइन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द एम्प्लॉयज एंड लेवल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपेंड अपॉन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। सपोज मैनेजर ने नेक्स्ट फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया, ऑर्गेनाइजिंग, तो ऑर्गेनाइजिंग में मैनेजर्स क्या करते हैं, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को। तो ऑब्जेक्टिव ही डिसाइडेड नहीं है तो किस बेस पर आप अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करेंगे। तो सारी ही चीज़ों के लिए दैट मैनेजमेंट इज द प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन। ठीक है, चलो थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर प्लानिंग इज परवेसिव। Pervasive means applicable to all kind of organization. As I have told you earlier as well that planning is applicable to all type of business, whether private, whether public, whether large, small, whatever the operations, हर तरीके के, हर एक टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक टाइप के बिजनेस में मैनेजमेंट में प्लानिंग होती ही होती है। अरे मैनेजमेंट तो छोड़िए, आप अपनी पर्सनल लाइफ को भी अगर आप देखेंगे तो आप विदाउट प्लानिंग कुछ नहीं करते। आप सुबह उठते हो तो आप प्लान करते हो कि मुझे इतने बजे यहाँ जाना है, इतने बजे इससे मिलना है, इतने बजे क्लास जानी, इतने बजे स्कूल जाना है, इतने बजे मुझे स्टडी करनी, इतने बजे मुझे टीवी देखनी है। आपके दिमाग में भी एक रफ प्लान चलता है कि आज दिन भर में क्या करना है। सुबह होते ही आप एक रात पहले डिसाइड कर लेते हो कल ये काम है तो ये समय पर ये काम मैं निपटाऊंगा या निपटाऊंगी। तो प्लानिंग तो हर जगह हमारी डेली रूटीन लाइफ में होती है, तो बिजनेस तो कैसे चल सकते हैं प्लानिंग के, ठीक है। तो प्लानिंग हर जगह ही होती है। तो दूसरी चीज है हर लेवल पर होती है, आपके जो भी मैनेजर्स हैं, ठीक है, प्राइमरी हैं, मतलब टॉप है, मिडिल है, सुपरवाइजर है, सारे तरीके के मैनेजर्स प्लानिंग फंक्शन परफॉर्म करते हैं मैंडेटरीली, ठीक है। प्लानिंग कोई एक टॉप मैनेजमेंट पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, सभी तरीके के मैनेजमेंट फंक्शंस प्लानिंग पर होते ही होते हैं, ठीक है। तो इट इज़ परवेसिव दैट एप्लीकेबल टू ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड इट परफॉर्म बाय ऑल, एप्लीकेबल टू ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस, वेदर स्मॉल, लार्ज, पब्लिक, प्राइवेट, डजेंट मैटर। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। भाई जो प्लानिंग है, प्लानिंग फ्यूचर के लिए किया जाता है, प्रेजेंट में प्लानिंग कर रहे हैं, उसका रिलेशन प्रेजेंट या आज के दिन से नहीं होता, आगे आने वाले समय से होता है। तो प्लानिंग कैसा होता है, फ्यूचरिस्टिक फंक्शन है, फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है। आगे की सिचुएशन को एंटिसिपेट किया जाता है, आगे के समय को एंटिसिपेट किया जाता है, आगे आने वाला जो टाइम है उसमें क्या करना, उसके लिए आज के दिन प्लानिंग की जाती है। तो दैट इज़ वॉट प्लानिंग फ्यूचर से रिलेटेड होता है, दैट्स वाई प्लानिंग इज वॉट फ्यूचरिस्टिक एंड फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन, ठीक है। तो प्लानिंग हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है, फ्यूचरिस्टिक फंक्शन होता है। प्लानिंग जो है कभी भी पास्ट के लिए तो नहीं कर सकते। प्लानिंग कभी आपने कभी की है कि कल मुझे क्या करना है, प्लानिंग कभी पास्ट के लिए नहीं कर सकते। तो प्लानिंग किसके लिए होती है, प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए होती है, फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है ये, ठीक है। आप मैनेजर्स क्या करते हैं, देखो भाई फ्यूचर में कोई गया नहीं है, डोरेमोन की टाइम मशीन किसी के पास नहीं है कि फ्यूचर में जाके देख लिया जाए कि फ्यूचर में होने क्या वाला है, या मैं क्या करूँगा, मैं कुछ करूँगा कि नहीं करूँगा। तो फ्यूचर के लिए हमारे पास कुछ भी बेस नहीं होता है क्योंकि हमारे पास डोरेमोन की मशीन तो नहीं है। अब हम क्या करते हैं, हम तुक्के लगा सकते हैं, ठीक है, हम अजम्पशंस लगा सकते हैं, हम प्रिडिक्शंस कर सकते हैं कि फ्यूचर में एक्स वाई जेड सिचुएशंस रहेंगे, और उन सिचुएशंस को जो है आप बेसिकली इमेजिन करके करेंट डे में क्या करते हो, फ्यूचर के लिए प्लान करते हो, ठीक है। तो प्लानिंग इज नॉट ओनली अबाउट के प्लानिंग जो है फ्यूचरिस्टिक फॉरवर्ड लुकिंग तो है ही, इसी के साथ उसके लिए आपको क्या करना होता है, प्रिडिक्शन और बहुत सारे अजम्पशंस को बेस बनाकर प्लानिंग करनी होती है, ठीक है। और इसके अलावा और तीसरा बेस आपका पास्ट एक्सपीरियंस होता है। आप फ्यूचर का अजम्पशन कर सकते हो, फ्यूचर का एंटिसिपेशन कर सकते हो, प्रेडिक्शन लगा सकते हो, इसी के साथ आपका जो पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनको भी आप कंसिडर करके फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्यूचरिस्टिक एंड फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। नेक्स्ट, प्लानिंग कंटिन्यूस होता है, प्लानिंग एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि प्लानिंग आप करना छोड़ दो या एक वन शॉट स्टेप है प्लानिंग, नहीं, प्लानिंग कंटिन्यू करना पड़ता है क्योंकि आपके जितने भी एक्शंस या जो भी आप परफॉर्म कर रहे हैं चीज़ें, उन सब में कंटिन्यू प्लानिंग लगती है। आप डेली प्लानिंग करते हैं, आप हर टाइप की प्लानिंग करते हैं, हर एक इंसान हर एक टाइप की प्लानिंग करता है। जैसे मम्मी है, मम्मी ये भी सोचती है कि आज दिन भर में मुझे क्या करना है, उसके बाद वो उसकी अपनी डे शेड्यूल की प्लानिंग करना, उसके अलावा इसके जो लंच है, ब्रेकफास्ट है, उसमें क्या बनाना है, इन सब की प्लानिंग कौन करती है, मम्मी खुद से करती है। तो प्लानिंग जो है कंटिन्यूस होती है, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। प्लानिंग नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कभी भी प्लान करना हम बंद नहीं कर सकते, मैनेजर्स कभी प्लान करना जो है ख़त्म नहीं कर सकते, हमेशा मैनेजर्स की प्लानिंग जो है चलती ही रहती है हर चीज़ को लेके, ठीक है। तो प्लानिंग इज़ अ नेवर एंडिंग और कंटिन्यूस प्रोसेस बिकॉज आफ्टर मेकिंग प्लान्स वन हैज़ टू बी इन टच विद द चेंजेस इन द changing environment and in the selection of one best way. So after making the plans, also the planners keep making changes in the plans according to the requirement of the company. ठीक है, जो planners होते हैं वो हमेशा change करते रहते हैं as per the चेंजेस रिक्वायरमेंट टू द कंपनी, मतलब जो भी चेंजेस हैं उनके हिसाब से प्लान हमेशा किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल दिया है, द प्लान इज मेड ड्यूरिंग द बूम पीरियड एंड ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन देयर इज डिप्रेशन पीरियड, देन प्लानर हैव टू मेक चेंजेस इन द अकॉर्डिंग टू द कंडीशन प्रिवलेंट, ठीक है। जैसे कि आपको इकोनॉमिक साइकिल तो पता ही है, बूम, रिसेशन, ठीक है, डिप्रेशन। तो अभी आपने जब प्लानिंग की तो आपने बूम पीरियड के समय प्लानिंग की, ठीक है, लेकिन आपको जब इम्प्लीमेंटेशन के समय रियलाइज़ हुआ कि अभी डिप्रेशन पीरियड चल रहा है, तो आपको प्लानिंग में चेंजेस करने पड़ेंगे, प्लान्स को मॉडिफाई, अपडेट करना पड़ेगा एज़ पर द प्रिवेलिंग सिचुएशन, उस समय जो सिचुएशन चल रही है उस अकॉर्डिंगली। तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ प्लानिंग इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। आपको प्लानिंग में डिसीजन लेना ही लेना पड़ता है, डिसीजन मेकिंग इज इन्वॉल्व इन द प्लानिंग। आपको डिसाइड करना पड़ता है व्हाट इज योर फ्यूचर गोल, आपको डिसाइड करना पड़ता है वेरियस स्ट्रेटेजीज टू अडॉप्ट दैट गोल। तो प्लानिंग 100% इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। सो प्लानिंग फंक्शन इज नीड ओनली व्हेन डिफरेंट अल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल एंड व्हेन वी हैव टू सिलेक्ट मोर सुटेबल alternative, we cannot imagine planning in absence of choice, because the planning function manager evaluate various alternatives and select the most appropriate, but if there is one alternative available then there is no requirement of planning, ठीक है। जैसे कि प्लानिंग में क्या होता है, मैंने आपको बताया कि आपने सबसे पहले गोल डिसाइड कर लिया, ठीक है। गोल क्या डिसाइड किया है? 80% इंक्रीज इन सेल, ठीक है, मैनेजर ने डिसाइड किया, आपने नहीं किया, ठीक है। इसके लिए आप वेरियस एक्शन प्लान्स डेवलप करोगे, ठीक है। आपने बहुत सारे एक्शन प्लान्स बना लिए। फर्स्ट एक्शन प्लान बनाया है कि प्रमोशन बढ़ाना है, सेकंड एक्शन प्लान बढ़ाया है कि आपको डिपार्टमेंट बढ़ाना है, थर्ड एक्शन प्लान बनाया है कि आपने कॉस्ट की जो आपके जो प्रोडक्ट उसकी कॉस्ट रिड्यूस करना। तो आपने बहुत सारे एक्शन प्लान्स डेवलप कर लिए। अब नाउ यू नीड टू मेक डिसीजन ऑफ द वेरियस अल्टरनेटिव्स अवेलेबल। जो आपने वेरियस अल्टरनेटिव्स डेवलप किए हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, उसमें से अब आपको सिलेक्ट करना है, तो यू नीड टू टेक डिसीजन हेयर, ठीक है। तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आपके लिए इम्प्लीमेंट होगी कि इन तीनों अवेलेबल ऑप्शंस में से आपको कौन सा अप्रोप्रिएट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। सपोज आई हैव सिलेक्टेड सेकंड वन, ठीक है, तो किस बेसिस पे सिलेक्ट किया है? मेरे पास कुछ डिसीजन लेने के बेस भी होने चाहिए, बेसलेस डिसीजन नहीं, तुक्का नहीं। 1 2 3 आप छोटे में करते थे ना, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, बहुत वो अक्कड़ बक्कड़ वाली बात नहीं है, ट्रेन ट्रायल नहीं है। आपको बहुत सारे परसेप्शन के बेस पर, अजम्पशन के बेस पर बेस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन सिलेक्ट करना पड़ता है। तो डिसीजन मेकिंग इज नॉट एट ऑल ईजी प्रोसेस, बहुत सारे फैक्ट्स और फिगर्स को ध्यान में रखते हुए करना पड़ता है, अक्कड़ बक्कड़ नहीं होती यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे इम्पोर्ट द टेक्नोलॉजी ऑफ द लाइसेंसेज ओनली विद द STC स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, देन कंपनी हैव नो चॉइस बट टू इम्पोर्ट द टेक्नोलॉजी थ्रू STC, बट इफ देयर आर 4 to 5 इम्पोर्ट एजेंसी इंक्लूडिंग इन दिस टास्क, देन द प्लानर हैव टू इवेल्युएट टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ ऑल द एजेंसी एंड सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। अब भाई यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है वो एग्जाम्पल हमारी लाइफ में भी होता है कि जब आपके पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो आपको उसी ऑप्शन की तरफ जाना पड़ता है। कंपनी को यहाँ पे कुछ सामान इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट करने के लिए एक ही ट्रेडिंग एजेंसी है जिसका नाम है STC स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। लेकिन जब आपको ये पता है कि 4 से 5 ट्रेडिंग एजेंसीज हैं, अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सी ट्रेडिंग एजेंसी को चूज किया जाए, तो अक्कड़ बक्कड़ नहीं किया जाता, उनकी वेरियस टर्म्स कंडीशन, रेट, फैसिलिटीज को डिसाइड करके सिलेक्ट किया जाता है कि कौन सी एजेंसी को चूज करना है हमें अपना प्रोडक्ट इंपोर्ट करने के लिए। इसी तरीके से जब आप रेस्टोरेंट जाते हैं खाना खाने के लिए, फैमिली डिनर प्लान हुआ है कि चलो भाई फैमिली सब लोग डिनर पर चलते, बहुत समय से डिनर पे नहीं गए। अब अगर आपकी सिटी में एक ही रेस्टोरेंट है, फैमिली रेस्टोरेंट, तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, एवरीबडी नोज कि हमको वहीं जाना है, डिसीजन नहीं लेना। लेकिन आपकी सिटी में 5 से 10 रेस्टोरेंट्स अवेलेबल है, फैमिली रेस्टोरेंट, तो आपको बहुत सारी फैक्ट्स एंड फिगर्स को डिसाइड में रख के, बहुत सारी फैक्ट्स एंड फिगर को सोच दिमाग में रखकर डिसीजन लेना पड़ता है कि कहाँ जाएँ हम, ठीक है। जैसे कि रेट क्या है वहाँ की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे पहली चीज़ यही डिसाइड होती है कि कौन सा रेस्टोरेंट महंगा है, कौन सा सस्ता है। इसके बाद किसकी सर्विस अच्छी है, कौन वेट करवाता है, कौन एकदम प्रॉम्प्टली आपको सामान सर्व करता है, फूड सर्व करता है। इसके अलावा एम्बियंस किसका अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर किसका ज़्यादा अच्छा है, क्राउडी कौन सा कम होता है, वेट किसका कम होना, मतलब किस कौन सा ऐसा रेस्टोरेंट है यहाँ पे कम वेट करना पड़ेगा। तो ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को ध्यान में रख के बेस्ट जो है ऑप्शन वो चूज कर लेते हैं। तो बेसिकली प्लानिंग क्या होता है? डिसीजन मेकिंग इंक्लूड करता है। एंड द 7th वन इज प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। भाई प्लानिंग बहुत ज़्यादा मेंटल एक्सरसाइज है, पूरा दिमाग घुमा के रख देती है, क्योंकि प्लानिंग फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें, फ्यूचर प्रिडिक्ट करना इज नॉट एट ऑल ईजी, ठीक है, हम भविष्यवाणी करना पड़ता है यहाँ पे, और भविष्यवाणी करना आसान नहीं होता है। तो क्या है, पूरी मेंटल एक्सरसाइज है, दिमाग को घुमा के रखने वाली चीज़ है प्लानिंग, ठीक है. तो इट इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज. प्लानिंग इज अ मेंटल प्रोसेस विच रिक्वायर हायर थिंकिंग. बहुत ज़्यादा अच्छा सोचना पड़ता है, बहुत ऊंची सोच रखनी पड़ती है. दैट इज़ वाई इट इज़ कीप्ड सेपरेट फ्रॉम द ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ बाय टेलर. इन प्लानिंग assumptions and predictions regarding future are made by scanning the environmental property. This activity requires higher level of intelligence. Secondly, in planning, various alternatives are evaluated and the most suitable is selected, which again requires high level of intelligence. So it is right to call planning as an intellectual process. Planning में बहुत सोचना पड़ता है, future के हर एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग टर्म्स और कंडीशन को जो है दिमाग में रखकर प्लानिंग करना पड़ता है. तो प्लानिंग बहुत ज़्यादा मेंटल इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज है. ठीक है, चलो ये तो हो गई आपकी प्लानिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, तो हमने प्लानिंग देख लिया, प्लानिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड मतलब डिस्कस कर लिया. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ द प्लानिंग. कि भाई प्लानिंग करना क्यों चाहिए, क्यों ज़रूरी है प्लानिंग. जैसे कि मैंने बोला कि आप डायरेक्शन लेस हो जाएंगे, आपको पता नहीं है कहाँ जाना है, क्या अचीव करना है, क्यों मतलब क्यों कर रहे हैं, यू डोंट नो, यू आर टोटली डायरेक्शन लेस. तो इसलिए प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, तो हम वन बाय वन चीज़ें देख लेते हैं कि वाई प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है, तो पहला पॉइंट जैसा कि हम बोल रहे हैं कि प्लानिंग जो है आपको डायरेक्शन बताता है कि वेयर यू नीड टू गो, आप कहाँ जाना चाहते हो. ठीक है, आपको अगर डायरेक्शन नहीं पता है, कि आपको ऑब्जेक्टिव नहीं पता है कि आपको किस तरफ जाना है, तो यू आर डायरेक्शन लेस एंड यूजलेस. सो प्लानिंग सबसे पहले तो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है आपको. Planning is concerned with predetermined course of action. It provides direction to efforts to employees. Planning makes clear to employee what to do and how to do. Planning में decide कर लिया जाता है कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, किससे करना है, किस समय करना है, हर चीज़ decide हो जाती है. तो employees के दिमाग में picture clear होती है कि कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, क्यों करेगा, किसके लिए करेगा. सारे क्वेश्चन के आंसर एम्प्लॉय के माइंड में होते हैं अगर प्लानिंग होती है तो. और अगर प्लानिंग नहीं होती है तो एम्प्लॉयज विल बिकम कंफ्यूज, वाई टू डू, वाई होम टू डू, वाई वी नीड टू डू. तो बहुत सारे क्वेश्चन एम्प्लॉयज के माइंड में आ जाते हैं. By stating in advance how work has to be done, planning provides direction for the action. Employee knows in advance in which direction they have to work. This leads to unity of direction as well. If there were no planning, employees would be working in different direction and organization would not be able to achieve its desired goal. और अगर मतलब फ्यूचर में पहले ही बता दिया जाता है प्लानिंग में कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है. ठीक है, तो एम्प्लॉय को पता है कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है. तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इंश्योर हो जाता है, जो हमने फ्योल के प्रिंसिपल में पढ़ा था ना, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, वो यहाँ पे इंश्योर हो जाता है. बट इफ़ यू डोंट नो वेयर टू गो, हाउ टू गो, फॉर होम टू गो, तो व्हाट विल बी द मींस रीज़न फॉर डूइंग द प्लानिंग. ठीक है, सारे एम्प्लॉयज़ कुछ तो भी करते रहेंगे, कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा. ठीक है, तो दैट इज़ वाई प्लानिंग इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट दैट इट प्रोवाइड्स यू ऑल डायरेक्शन. ठीक है, नेक्स्ट, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टिनिटी. प्लानिंग जो है अनसर्टिनिटी के रिस्क को ख़त्म तो नहीं करता, लेकिन उसके रिस्क को कम ज़रूर कर देता है. अनसर्टिनिटी मतलब अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, अनएक्सपेक्टेड चीज़ है. अब आपने प्लानिंग की है तो प्लानिंग करते समय कुछ आपको अजम्पशन, कुछ आपको प्रिडिक्शन, कुछ आपको बेसलाइन चाहिए होता है ना. मैंने आपको बोला ना कि आप फ्यूचर सिचुएशन को एंटीसिपेट करते हैं, इमेजिन करते हैं, सोचते हैं कि फ्यूचर में क्या सिचुएशन रहेगी, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट सिचुएशन करंटली आप प्लान को डेवलप करते हैं, फॉर्म करते हैं. ठीक है, तो जो फ्यूचर में आने वाली अनसर्टेनिटीज़ हैं, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है, अगर आप उनको प्रिडिक्ट कर लेते हैं इन्वायरमेंटल स्कैनिंग के थ्रू. ठीक है, प्लानिंग करने के लिए इन्वायरमेंटल स्कैनिंग बहुत ज़रूरी होता है. तो आपने इन्वायरमेंटल स्कैनिंग की है प्रॉपर, अगर आप प्रॉपरली प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको थोड़े जो फ्यूचर में आने वाले हिंड्रेंसेज हैं, फ्यूचर में आने वाली जो कंडीशंस हैं, उनके बारे में कहीं ना कहीं आपको पता होगा एंड आप उन्हीं फ्यूचर कंडीशन और प्रिडिक्शन के बेस पर ही प्लान डेवलप करेंगे. ठीक है, तो प्लान क्या करता है, आगे आने वाले समय की जो अनसर्टिनिटीज़ होती है, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन होती है, उनके रिस्क को रिड्यूस कर देता है. ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन हैव टू फेस मैनी अनसर्टिनिटीज एंड एक्सपेक्टेड सिचुएशन एवरी डे. प्लानिंग हेल्प द मैनेजर टू फेस द अनसर्टिनिटी बिकॉज प्लानर ट्राई टू फोरसी द फ्यूचर बाय मेकिंग सम अजम्पशंस रिगार्डिंग फ्यूचर, कीपिंग इन माइंड द पास्ट एक्सपीरियंसेज एंड स्कैनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट्स. The plans are made to overcome such uncertainties. The plan also include unexpected risks such as fire on some other fire or some other calamities in the organization. The resources are kept aside in plan to meet the such uncertainties. Planning की सबसे अच्छी बात यह है कि आगे आने वाले रिस्क, आगे आने वाले अनसर्टिनिटी, आगे आने वाले जो कंडीशंस होती हैं उसके रिस्क को बहुत कम कर देता है, ठीक है, उसके रिस्क को क्या करता है, मिनिमाइज करता है आपका प्लानिंग, ठीक है. तो प्लानिंग इज व्हाट, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ योर फ्यूचर, ठीक है. चलो नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग इज, प्लानिंग रिड्यूस द ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज. भाई जब आपको पता है कि आपको क्या करना है, ठीक है, एवरीबडी नोज के व्हाट यू वांट टू डू और मतलब व्हाट यू नीड टू डू, ठीक है. चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज आपके घर में क्या आया है, आपके घर में कोई एक गेस्ट आया है, ठीक है, आपके घर में कोई मेहमान आया है एंड यू एंड योर सिस्टर वर सिटिंग इन अ रूम बोथ टुगेदर, ठीक है. आपकी मम्मी ने बोला जाओ बेटा चाय बना के ले आओ, ठीक है. उन्होंने नाम मेंशन नहीं किया कि आप चाय बनाओ या आप चाय बनाओ, उन्होंने बोला जाओ चाय बना के लाओ, ठीक है. तो उनमें से एक सिस्टर गई विदाउट मेकिंग कन्वर्सेशन, आपस में कन्वर्सेशन नहीं हुआ, एक सिस्टर को लगा कि मुझसे बोला है, वही दूसरी सिस्टर को लगा मुझसे बोला है, ठीक है. एक गई चाय बनाई कवर करके रख कर कहीं और चली गई, दूसरी गई उसने भी चाय बनाई और उसको दे दिया, सर्व किया. तो जब समझ आया कि दोनों ने ही चाय बना ली, सो व्हाट इट इज़ द रिजल्ट, रिड्यूस, ये क्या हो गया है, ओवरलैपिंग हो गया. मतलब पहली बात तो एक, मतलब अगर आपको 2 कप्स ऑफ टी बनाना था तो आपकी 4 कप ऑफ टी बन गई है, पहली चीज़ तो. और क्या हो गया है, इसके साथ वेस्ट हो गए रिसोर्सेज, उसमें जो रिसोर्सेज लगे, दूध जो है वेस्ट हो गया है, चाय पत्ती वेस्ट हो गई है. तो क्या होता है जब प्लानिंग क्लियरली नहीं होता है तो सबको ये लगता है कि कुछ काम करना है, क्या करा जाए, आपस में डिसाइड नहीं किया कि कौन क्या करेगा, प्लान करा जाता है ना कि तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारी ड्यूटी है. तो सबके माइंड में क्लियर पिक्चर होती है कि व्हाट आई नीड टू डू, मुझे क्या करना है, मेरा क्या वर्क है. तो सब अपना अपना काम करते हैं, इससे क्या होता है कि जो ओवरलैप है, एक्टिविटीज़ जो है डबल परफॉर्म नहीं होती हैं और उनमें जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में जो रिसोर्सेज इंक्लूड हैं वो भी वेस्ट नहीं होते. तो प्लानिंग एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है. एक ऑर्गेनाइजेशन पर बैठे हर एक एम्प्लॉय को पता होता है कि उनको क्या करना है, उनकी क्या ड्यूटी है, उनका क्या काम है. तो प्लानिंग जो है प्रॉपर क्लियर एक पिक्चर दिखाई देती है, ठीक है. तो वही लिखा है कि प्लानिंग क्या करता है, ओवरलैपिंग, डबल वर्क परफॉर्मेंस और वेस्ट एक्टिविटीज नहीं करता है. तो ऑर्गेनाइजेशन प्लान आर मेड कीपिंग इन माइंड द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट. द डिपार्टमेंट प्लान आर डिराइव्ड फ्रॉम द मेन ऑर्गेनाइजेशनल प्लान. As a result, there will be coordination in different department. On the other hand, if the managers, non-managers, and all employees are following course of action according to the plan, then there will be integration in the activities. Plan ensures clarity of thoughts. Action will be carried. Action and work will be carried on the out smoothly. Planning अगर हो तो जो काम होता है वो कैसा होता है, smoothly होता है, ठीक है. सबको क्लियर पिक्चर होती है व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग टू डू, ठीक है. उनको अपने डिपार्टमेंट, अपना वर्क प्रोफाइल सब पता होता है. तो इससे ये होता है कि आपका ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं, ठीक है. चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडिया. प्लानिंग जो है इनोवेशन को प्रमोट करते हैं. इनोवेशन मतलब कुछ नया, कुछ डिफरेंट, ठीक है. प्लानिंग में आप डिसाइड करते हो फ्यूचर के बारे में पास्ट एक्सपीरियंसेस से. तो पास्ट में जो कर लिया है उसको तो आप दोहराना नहीं चाहोगे, उसमें कुछ नया करना चाहोगे. हर एक इंसान चाहता है कुछ नया हो, मतलब बोरिंग हो जाता है नहीं तो, ठीक है. तो प्लानर जो मैनेजर्स होते हैं वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस को कंसिडर करके कुछ नया, कुछ इनोवेटिव प्लान करते हैं. तो प्लानिंग रिक्वायर हाई थिंकिंग एंड इट इज़ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस. प्लानिंग जो होती है हाई थिंकिंग स्किल रिक्वायर्ड होती है और पूरी इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होती है. सो देयर इज़ अ ग्रेट स्कोप ऑफ फाइंडिंग बेटर आइडियाज़, बेटर मैथड्स एंड प्रोसीजर टू परफॉर्म पर्टिकुलर जॉब. Planning process forces manager to think differently and assume the future conditions, so it make the manager innovative and creative. Manager को जो है future condition को anticipate करना होता है, future situation का ध्यान में रखना होता है, ठीक है. और फ्यूचर जो है उसको फोर्स ही करना होता है और कुछ नया, कुछ इनोवेटिव करना होता है. इसलिए मैनेजर्स अपना फंक्शन परफॉर्म करते करते किस नेचर के हो जाते हैं, इनोवेटिव नेचर के हो जाते हैं, ठीक है. तो प्लानिंग क्या करता है, इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रमोट करता है. नेक्स्ट, प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग. प्लानिंग जो होता है आपको मैंने आपको बताया था प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग. कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने पढ़ा था कि प्लानिंग में क्या होता है, डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होता है और यहाँ पे क्या होता है, फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग. मतलब डिसीजन मेकिंग में आपको मदद करता है क्या, प्लानिंग. ठीक है, तो प्लानिंग हेल्प द मैनेजर्स टू टेक वेरियस डिसीजंस और एज इन द प्लानिंग गोल्स आर सेट इन एडवांस एंड प्रेडिक्शंस आर मेड फॉर फ्यूचर. दीज प्रेडिक्शन गोल्स हेल्प द मैनेजर टू टेक द फ्यूचर डिसीजन. ठीक है, आपको गोल्स और डिसीजन मतलब आपको फैसिलिटेट मदद करता है प्लानिंग डिसीजन मेकिंग लेने के लिए. ठीक है, एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग इज प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग. अब देखो पहले कंट्रोलिंग समझो कि क्या होता है. जैसे कि आपने प्लानिंग किया, प्लानिंग में आपने डिसाइड कर दिया कि आपको क्या करना है फ्यूचर में. ठीक है, अब ऑर्गेनाइजिंग में आप रिसोर्सेज अरेंज करते हैं, स्टाफिंग में ह्यूमन रिसोर्स अरेंज करते हैं, डायरेक्टिंग में आपका प्लान जो है एक्शन में कन्वर्ट होता है, रिजल्ट डायरेक्टिंग में आ जाता है आपके परफॉर्मेंस का एज पर द प्लान. और कंट्रोलिंग में आप क्या करते हो, जो आपने प्लान डिसाइड किया था और जो आपका एंड रिजल्ट है उन दोनों को कंपेयर करते हैं और जो भी गलतियां होती हैं, जो भी डेविएशंस होते हैं उनको फाइंड आउट किए जाते हैं और अपनी डेविएशंस को दिमाग में रखते हुए फ्यूचर प्लान किया जाता है. दैट इज़ व्हाट कंट्रोलिंग. ठीक है, कंट्रोलिंग इज द बेसिकली कंपेरिजन बिटवीन द एंड रिजल्ट, एक्चुअल रिजल्ट एंड प्लानिंग. सपोज आपने प्लान किया था कि मुझे 50% सेल्स इंक्रीज करनी है, एंड रिजल्ट में से 45% सेल्स ही इंक्रीज हुई है, तो 5% क्यों नहीं हुई, वो डेविएशन हो गया, गैप हो गया. और ढूंढा जाता है व्हाट इज द रीजन बिहाइंड नॉट अचीविंग आवर गोल. ठीक है, तो उस रीज़न को ढूंढ के उससे सीख लेके पास्ट एक्सपीरियंस हो जाता है और उससे सीख लेके फ्यूचर प्लानिंग की जाती है. तो प्लानिंग क्या करता है, वही लिखा हुआ है कि प्लानिंग आपको स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर देता है कंट्रोलिंग में. कंट्रोलिंग में कंपेयर होता है, तो कंपेयर करने के लिए यूनिट बेस. ठीक है, तो प्लानिंग जो है वो आपको फ्यूचर प्लान, फ्यूचर जो फंक्शन होने वाला है कंट्रोलिंग, उसके लिए करेंटली बेस प्रोवाइड कर देता है. तो कंट्रोल ये हो गया. प्लानिंग मीन्स कंपैरिजन बिटवीन द प्लान्ड एंड एक्चुअल आउटपुट, एंड इफ देयर इज अ वेरिएशन और डेविएशन बोथ फाइंड आउट द रीजन फॉर सच डेविएशन एंड टेक द मेजरमेंट टू मैच द एक्चुअल आउटपुट विद द प्लान. बट इन केस देयर इज नो प्लान आउटपुट, देन कंट्रोलिंग मैनेजर विल नो बेस टू कंपेयर वेदर द एक्चुअल आउटपुट इज एडिकेट और नॉट. ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि बेस प्रोवाइड करता है और एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया. ठीक है, सेम व्हाट आई हैव मतलब एक्सप्लेन्ड यू इज रिटन हियर. ऑलराइट, चलो तो प्लानिंग क्या करता है, आपके जो कंट्रोलिंग है उसको बेस प्रोवाइड करता है. ठीक है, चलो तो आज हमने पूरा क्या देख लिया है, प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग के फीचर्स क्या होते हैं और प्लानिंग की इम्पोर्टेंस क्या होती है. ठीक है, तो हमने पूरा बेसिकली आज प्लानिंग को ओवरव्यू कर लिया है. ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम प्लानिंग के जो है प्रोसेस पढ़ेंगे. ठीक है, टाइप्स ऑफ प्लान पढ़ेंगे. बहुत कुछ है ये चैप्टर में पढ़ने के लिए, काफ़ी अच्छा चैप्टर है, बोरिंग तो बिल्कुल नहीं है और अच्छे वेटेज का एग्जाम में आता है. ठीक है, तो वंस वी हैव डन विद दिस चैप्टर topics, then we will start solving question. ठीक है, then we will start discussing question of different type. ठीक है, तो अभी आज के लिए इतना. next class में हम आगे के topics को discuss करेंगे. ठीक है, an important thing, please subscribe our YouTube channel, please press bell icon as well so that आपको updates मिलती रहेंगी हमारे videos की. इसी के साथ आप हमारी e-learning platform को Praadis Education को follow कर सकते हैं Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर. ये हमारी website है. ठीक है, और आप हमारी e-learning ऐप को एक बार download ज़रूर कीजिए. Google Play Store पर भी available है, iOS Store पर भी आपको मिल जाएगी हमारी e-learning ऐप. और अगर आपको कोई भी कांटेक्ट करना है, कोई भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना है तो आप इस कांटेक्ट नंबर पर पूछ सकते हैं एनी टाइम. ठीक है, चलो सो विल मीट इन नेक्स्ट क्लास.